में कोई दुनिया की नाम वरी मुराद नहीं है। थोड़ा सा हिस्सा भी आप डाल दें इसके अंदर अपने वोट का, ये ना देखे मैं जीता हूँ, मेरा कायद जीतेगा या नहीं जीतेगा, छोड़ दें इस बात को। तबलीग वोट की पर्ची है, दावत वोट की पर्ची है, हमारी बका वोट की पर्ची है, इस्लामी तशख्खुस की बका, उलमा की, पीरों की, फकीरों की, तबलीग की, दावत की, सबकी बका इसी वोट की पर्ची में छुपी ठहरी है, जिसको आप अहमियत नहीं देते। कितनी वोट तो फलां को देंगे, किस लिए उसने नाली बनवा दी है, वोट उसको नहीं देंगे जो असेंबली में जाके वो बात करे जो मौलाना फजल रहमान साहब हमारे कायद ने की या मौलाना असद महमूद साहब ने की। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम जो आज आपको नजर आ रहे हैं कि पता नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, पहले तो हमें यकीन है कि अल्लाह के करम से जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, अगर बिलफर्ज अगर हम ना भी जीत सके, एक मुआशरे में माहौल में जगह तो बनती है ना, कल काम तो आती है कि आपने वोट किसको दिया, हमने तो एक हक का दिया, रब के आगे सुखरू तो है ना। मेरे पास जितनी लोग वोट मांगने आते हैं, दुआ के लिए भी आते हैं, तो मैं उनको पहला लफ्ज ये कहता हूं कि हम नजरियाती लोग हैं, अगर हमारी जमात ने बंदा खड़ा किया हम उसको वोट देंगे, उन्होंने किसी की हिमायत की फिर उसको देंगे, अगर किसी की नहीं की फिर हम मशवरा करेंगे जिसको देना होगा हम, ये हमारा तरीकाकार।